हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम KVS की जो एग्ज़ाम हुआ है LDC का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या हो सकती है। आप एग्ज़ाम लेवल देखें तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो 70% तो सिंपल आया था। मॉडरेट को देखें तो 20% करीबन मॉडरेट हो सकता है, और हाई लेवल देखें तो 7 से 10% करीबन हाई लेवल था। तो यही एग्ज़ाम का था, ज़्यादा कुछ लेवल था नहीं। मतलब 70% आपका क्या था कि मॉडरेट था, और 20% मतलब 70% तो सिंपल पेपर आया था, और 20% आप मॉडरेट मान सकते हैं उस पेपर को। और हाई लेवल में देखें तो कुछ दो चार क्वेश्चन थे, इंग्लिश के भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो हाई लेवल में चले गए थे। तो उन क्वेश्चनों को देखा जाए, इंग्लिश के उनको देखा जाए, तो उनका जो वेटेज मानते हैं हम 10% के समथिंग, या 7 से 10% के समथिंग एग्ज़ाम का वेटेज मान सकते हैं। तो ये KVS अब इसी के आधार पर कट ऑफ डिसाइड करेगा, और लड़कों को या स्टूडेंट्स को बुलाएगा टाइपिंग के लिए। तो क्या होगी कट ऑफ, या क्या KVS डिसाइड करेगा, क्या उसका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी, उसके बारे में जानेंगे हम आगे। देखें एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। एग्ज़ाम पैटर्न लैंग्वेज जो सेक्शन था, 40 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। हिंदी के 20 और इंग्लिश के 20 थे। GS या करंट अफेयर्स का पार्ट 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के पार्ट्स में भी आप देखें तो अवार्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। कईयों के तो दो दो क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये तो एक क्या एवरेज में बता रहा हूँ, कई एग्ज़ाम मैंने देखे हैं तो सारा रिव्यू रहा, तो आगे 2 क्वेश्चन भी मिले हैं मैथ के। रीजनिंग के क्वेश्चन देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन रहे थे। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन रहे थे। देखिए ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहा। लैंग्वेज सेक्शन 40 क्वेश्चन थे, जिसमें क्या था 20 इंग्लिश के थे और 20 ही हिंदी के थे। हिंदी बड़ी इजी आई थी, कोई ज़्यादा नहीं, सभी ने उसको कर दी होगी। इंग्लिश में थोड़ा टफ लगा, हमारी टीम ने रिव्यू लिया तो पता पड़ा कि इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे। अब क्या है इजी, इजी के बारे में भी देखें तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट थोड़े ईजी रहे थे और कौन कौन से मॉडरेट रहे थे। तो हिंदी हम देखें तो वेरी ईजी, कोई भी व्यक्ति जो 10th क्लास पास है वो भी मेरे हिसाब से कर सकता है इस चीज़ को। इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश को हम मॉडरेट कहेंगे, नॉट ईजी, ईजी नहीं थी, मॉडरेट थी। सिर्फ आप पैसेज वगैरह को छोड़ के कर सकते हैं, कई चीज़ें मॉडरेट लेवल की थी तो ईजी नहीं थी। मैथ ईजी थी, ज़्यादा कोई कठिन था नहीं। रीजनिंग भी ईजी थी, और कंप्यूटर देखें तो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें से एक्सेल और वर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनसे आधारित क्वेश्चन भी उसमें पूछे गए थे। ये कंप्यूटर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, कईयों को कन्फ्यूज़ किया। अब हम देखें तो टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल 561 पोस्टें हैं, ठीक है। अब इसमें जो कट ऑफ जाएगी उसी के आधार पर आगे बच्चों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। मान लीजिए कि अगर 3 गुना बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए, तो आप 3 गुना देख लीजिए, 1683 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, यानी लगभग 1700 के समथिंग लड़कों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। अगर 5 गुना बुलाया जाता है, यानी 5 के मल्टीपल में बुलाया जाता है, तो लगभग आप 2800 के समथिंग मान सकते हैं। तो ये क्या है, इतने बच्चों को तो वो टाइपिंग के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अब ये किस आधार पर डिसाइड होगा, ये आधार पर डिसाइड होगा कट ऑफ के आधार पर। तो कट ऑफ पर नज़र डालते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या कट ऑफ हमें दिए। देखिए कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल में 75+ कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि 70% तो पर इजी था ना, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ के और कंप्यूटर के सेक्शन को छोड़ के, तो वो थोड़ा वो था। तो अगर आप जनरल के हैं तो 75 तो कट ऑफ हो सकती है। OBC की बात करें तो 73 और 75 इट मे बी सेम, दोनों ही हो सकती है। मतलब अगर आप OBC और जनरल की दोनों कर सकते हैं, दोनों में कट ऑफ है, तो 75 के समथिंग मिनिमम कट ऑफ तो 75 रहने वाली है। इससे नीचे एनालिसिस ने हमें नहीं बताया, और हमने जो रिव्यू लिया, हमारी टीम ने जो रिव्यू लिया उससे भी बच्चों ने हमें नहीं बताया। सारे सेंटरों पे हमारी गई थी, तो सेंटरों पे जो रिव्यू हमें प्राप्त हुआ उससे तो यही पता पड़ता है कि 75 के समथिंग जनरल और OBC कट ऑफ रह सकती है। SC की क्या देखें तो SC की 65+ रह सकती है, और ST की देखें तो ST 60 रह सकती है। आगे मैंने लिखा भी है कि दिस डाटा हैज़ बीन टेकन बाय द रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एग्जाम एनालिसिस गुरुज, यानी ये डाटा लिया गया है हमारी टीम ने रेगुलर रूप से। 3 दिन एग्ज़ाम चला, अलग अलग सेंटरों पर जाकर बच्चों से पूछा, रिव्यू लिया उनसे, तो उन्हीं के अनुसार ये कट ऑफ डिसाइड की गई है। और जो एग्ज़ाम के गुरुज हैं उनके के एम लिया गया, मतलब उनके विचार लिए गए, उनको सम्मिलित करके ही
कट ऑफ डिसाइड की गई, तो ये मिनिमम आप मान सकते हैं कि ये तो कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप इस कट ऑफ की श्रेणी में आते हैं, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो सर अभी से लग जाइए आप टाइपिंग की प्रैक्टिस में। सो डोंट वरी इफ़ यू आर इन दिस कट ऑफ, एज सून एज स्टार्ट टाइपिंग प्रैक्टिस, यानी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और आपको क्या करना है, फॉरगेट लिखा है, फॉरगेट नहीं है ये, फॉरगेट था, यानी प्राप्त करने के लिए 75 वर्ड्स, किसमें 35 वर्ड आपको किस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, और 30 वर्ड्स आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। तो टाइपिंग ऐसी चीज़ है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो ज़रूरी ही है। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, या क्या कीबोर्ड यूज करना है, या किस तरीके कीबोर्ड टाइपिंग टेस्ट में लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, मतलब किस टाइप के कीबोर्डों का प्रयोग किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आप इस पर भी चाहते हैं कि भाई कीबोर्ड के ऊपर या किस तरीके से जो टाइपिंग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगर इस पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं एक वीडियो टाइपिंग के ऊपर भी बना दूंगा, किस तरीके से के बीच में टाइपिंग ली जाती है, किस तरीके से कीबोर्ड यूज होते हैं। अधिकतर तो HCL वगैरह के, डेल के होते हैं, तो लेकिन हम आगे पूरी की पूरी बात कर लेंगे। अगर आपको चाहिए इस चीज़ पर, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको टाइपिंग के ऊपर भी आप सजेस्ट करें, तो टाइपिंग के ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो आगे आपको भविष्य में टू गेट मोर डिटेल्स इन फ्यूचर अबाउट KBS, यानी KBS के बारे में आपको आगे फ्यूचर में भविष्य में कोई भी जानकारी चाहिए, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। हम हमारे चैनल पर KBS से संबंधित सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे, ऐड डालते रहेंगे। ये कट ऑफ का सेक्शन था, कट ऑफ आपको हमने बता दिए, मिनिमम सर ऐसी रहने वाली है। देखिए इस क्यों रहने वाली है, अब राजस्थान के कई सेंटरों पर हमने विजिट किया था, तो वहाँ ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी, मतलब जितने बुलाए गए थे उतने तो आए नहीं थे, तो कम बच्चे थे, तो कट ऑफ तो ये रहने वाली है, ज़्यादा नहीं है। चलो थैंक यू, कैसा लगा आपको बताएं, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय।